टुडेज क्लास विल प्रोसीड विद अवर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मिसलिनियस एक्सरसाइज। और मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सारे ही क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या है आपका, थ्री वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ, से दिस इज द पैरेललोग्राम, दिस इज द पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। अब जो वर्टेक्स ए है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल से दिस इज द पैरेललोग्राम, दिस इज द पैरेललोग्राम। तो वर्टेक्स ए बी सी एंड डी, एज पर क्वेश्चन वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3-1, 2। तो ये हो गया 3-1, 2। वर्टेक्स बी 1-2, -4। वर्टेक्स सी -1, 1, 2। वर्टेक्स डी यानी कि फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है, जिसको हमने क्या ले लिया, डी ले लिया। तो आप पहले इसी तरह से लिखोगे, लेट फोर्थ वर्टेक्स बी डी हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो फोर्थ वर्टेक्स जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब देखो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो उनकी वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट। तो जैसे कि मैं डायगोनल्स बना रहा हूँ, लेट अस से दिस डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, ठीक है, एज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other, as diagonals of parallelogram bisect each other, diagonals होते हैं bisect करते हैं। तो can I say that therefore O is the, bisect का मतलब यही हुआ ना कि OA जो है वो किसके इक्वल होगा, OC के, और इसी तरह से जो OD है वो किसके इक्वल होगा, OB के। तो इसका मतलब जो है O जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। तो O is the mid point of O किस किस का मिड पॉइंट होगा, O is the mid point of AC as well as BD। तो O जो है आपका वो AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी होगा। कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो which implies coordinates of O by midpoint formula। अब इसमें दो केसेस हैं, केस वन when O is the midpoint of what, AC। In that case O के coordinates क्या होंगे, x1 plus x2 by 2। तो 3-1 कितना हो जाएगा, 3-1/2। y1 plus y2 तो -1 plus 1/2। z1 plus z2 2 plus 2/2। कोई डाउट है तो बताओ। अगर ओ एसी का मिड पॉइंट है तो क्या होगा, x1 plus x2 3-1/2, y1 plus y2 by 2, z1 plus z2 by 2। यही पढ़ा था आपने, बस वाई एक्स और वाई के साथ क्या आ गया, जेड आ गया, फॉर्मूला तो सेम ही है आपका, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप चलते तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ, ये क्या हो जाएगा 2/2, क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। ये क्लियर हो गया। केस टू व्हेन ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब ओ अगर बी डी का मिड पॉइंट है तो अब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ओके अगेन x1 plus x2, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स लिखो या एक्स प्लस 1 लिखो, x plus 1/2, y plus 2/2 प्लस कर रहे हो आप, और z -4/2, तो क्या हो जाएगा, z-4/2। कहती मैं समझ में आ गई, ठीक है।
ठीक है, अब कैन आई से दैट भैया पॉइंट तो सेम ही है, पॉइंट तो सेम ही है तो कोऑर्डिनेट्स भी सेम होने चाहिए फिर, ठीक है। नाउ x प्लस वन बाय टू कॉमा y प्लस टू बाय टू कॉमा z माइनस फोर बाय टू शुड बी इक्वल टू वन कॉमा जीरो कॉमा टू। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो x किस, ये वाला पॉइंट किसके इक्वल होगा, वन के, विच इंप्लाइज x प्लस वन बाय टू शुड बी इक्वल टू वन। तो x प्लस वन इक्वल टू क्या होगा, टू, तो x की वैल्यू क्या, वन, x की वैल्यू क्या, वन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखो y प्लस टू बाय टू ये किसके इक्वल होगा, जीरो के, तो टू इंटू जीरो जीरो, तो y की वैल्यू क्या, तो y की वैल्यू क्या, माइनस टू, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। और इसी तरह से ये किसके इक्वल होगा, एंड z माइनस फोर बाय टू इक्वल टू टू, तो z माइनस फोर इक्वल टू फोर, तो z इक्वल टू क्या होगा, माइनस फोर प्लस फोर, दैट इज एट, दैट इज एट। इसका मतलब देयरफोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O, x क्या हो जाएगा वन, y क्या हो जाएगा माइनस टू, और z क्या हो जाएगा एट। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नॉट पॉइंट ए। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, अब एक्स वाई जेड किसके कोऑर्डिनेट थे, फोर्थ वर्टेक्स के, तो आप क्या कहोगे, देयरफोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स बी क्या था, डी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स वाई जेड, दैट इज, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा वन, वाई की जगह माइनस टू, और जेड की जगह एट, तो वन माइनस टू एट, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।